माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। अभी हाल ही में कुछ लोग, कई लोग मुझे व्हाट्सएप में एक वीडियो डाल करके दिया, किसी ने बात किया। उस वीडियो के अंदर मैंने देखा किसी बिशप का ड्रेस पहना हुआ एक व्यक्ति, विदेशी है, वो किसी स्त्री के साथ जैसे काबरे नृत्य होता है इस प्रकार का थोड़ा गंती तरीके से नृत्य करता हुआ, डांस करता हुआ। कई लोग इसलिए भी डाला है क्योंकि कुछ प्रोटेस्टेंट भाई लोग भी डाल करके दिया, तुम्हारा बिशपों का हालत देख लो। और मैंने देखा ये किसी फेसबुक से शायद उठा करके डाला है, और वो फेसबुक पेज किसी हिंदू भाई का है, इसलिए उसका शीर्षक भी लिखा हुआ है जो क्रिस्तीय धर्म गुरु की हालत देख लो, उनका नाच देख लो, यही हेडिंग में उस नृत्य को वायरल किया हुआ है। उसका उद्देश्य, इसका मतलब आप समझ गए। हमारे कुछ कैथोलिक लोग भी मुझे वो डाल करके दिया, कुछ लोग तो प्रोटेस्टेंट लोग था, तो कई लोगों से सेम जो डांस आया, इसलिए मैंने सोचा आज उसी सब्जेक्ट पर ही क्लास ले लें। सबसे पहले जितने भी लोगों ने उस नृत्य को, उस डांस को देखा, थोड़ा ध्यान से उसको देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना, जिस प्रकार वो पैर हिला रहा है, जो भी हरकत कर रहा है, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा ये ओरिजिनल नहीं है, ये बनाया हुआ डांस है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये मॉर्फिंग किया हुआ है, बनाया हुआ है, कंप्यूटर में बनाता है आजकल। तो चाहे आप कई इस प्रकार का पॉलिटिकल लीडर्स का, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो, आपको इसी प्रकार मॉर्फिंग किया हुआ नृत्य का जो वीडियोस देखने के लिए मिलेगा, उसी प्रकार किसी क्रिस्त विरोधी व्यक्ति ने एक बिशप, शायद वो सोचा था संत पापा का, पोप का ड्रेस जैसे उसको बनाया, इसलिए धर्मगुरु कर करके लिखने का अर्थ भी वही हुआ। उनका लक्ष्य था पोप को अटैक करने के लिए, शायद उनका चित्र नहीं मिला, पता नहीं क्या है, किसी और का चेहरा है उसी के अंदर। तो इस प्रकार का एक अश्लील नृत्य को वायरल करते हुए क्रिस्तीय धर्म का या कैथोलिक विश्वासियों के ऊपर आक्रमण करने का एक चाल था। हो सकता है कई लोग उसको सही माना, इसलिए कई कैथोलिक भाई भी मुझे डाल करके दिया, इसका मतलब वो उसको सही माना है, यही है इसका एक फायदा। ये मॉर्फिंग कर करके जो डाल रहा है, जो अज्ञान, कम जो पढ़े लिखे या कम इसके विषय में जानने वाले लोग उसको सत्य मान लेता है। आज ऐसा अवस्था आया, आपके माता पिता का फोटो आपको डाल करके देगा, वीडियो डाल करके देगा, आप सोचेगा मेरे ही माता पिता है, लेकिन वो भी मॉर्फिंग किया हुआ है,
इसका मतलब आप अपने सगे माता पिता का जो वीडियो है उस पर भी विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा हालात में आजकल का टेक्निक बढ़ चुका है, उसका कई लोग फायदा उठा रहे हैं, चाहे पॉलिटिकली फायदा उठा रहा है, चाहे वो फायदा धर्म के नीचे गिराने के लिए। यहां पर कैथोलिक कलीसिया को नीचे दिखाना, चाहे प्रोटेस्टेंट वालों ने बनाया या वो हिंदू हेडिंग मुझे मिला, अगर उसका लक्ष्य यह था क्रिस्तीय धर्म को नीचे दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे भारत देश आजकल क्रिस्तीय धर्म के ऊपर बहुत मेहरबान है, चाहे मणिपुर ले लो, चाहे उड़ीसा ले लो, वहां पर जो नरहत्या चला उसके पीछे का एजेंडा जो हिडन, आज हिडन नहीं है, आज खुलासा हो चुका है, ये सब क्रिस्तियों के ऊपर किए हुए कुछ आक्रमण था। क्रिस्तीय धर्म को मिटाने के लिए यदि इस प्रकार का वीडियो डाल करके इन लोगों को उससे कुछ फायदा मिला है, तो भाई बोल दीजिए आप लोगों को इसके द्वारा क्या फायदा मिला है। कितने क्रिस्तीय लोग क्रिस्तीय धर्म छोड़ करके हिंदू बना, आप थोड़ा बता दीजिए। केवल हिंदू लोग नहीं, इस प्रकार सेल बना करके आक्रमण करने वाले मुस्लिम्स हैं, जो क्रिस्तीय धर्म के ऊपर विशेषकर कैथोलिक के ऊपर अटैक करने के लिए विशेष ग्रुप इस प्रकार नियुक्त है। वे लोग पढ़े लिखे लोग दिन भर यही कार्य करते रहता है। उसी प्रकार जो हिंदू कट्टरपंथी लोग क्रिस्तीय धर्म को नीचे दिखाने के लिए, और उनका लक्ष्य उसको मिट जाएगा क्रिस्तीय धर्म, 2000 साल से बहुत लोगों कोशिश किया, आज तक इसको मिटा नहीं पाया, बल्कि बढ़ रहा है। जहां अटैक हुआ वहां बढ़ा है। इसका मतलब अगर भारत देश में आज हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, एक चिन्ह एक सिग्नल हमें मिल गया है, कष्ट तो हमें झेलना पड़ेगा, अपमान तो हमें सहन करना पड़ेगा, लेकिन हमारा विश्वास बढ़ेगा। क्यों बढ़ना है? हमारा लक्ष्य यही है, संसार के सभी लोग ईसा मसीह में विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त करें, यह हमारा लक्ष्य है। ईसा मसीह ईश्वर मनुष्य बनकर के संसार में आने का एकमात्र उद्देश्य सारे संसार को मुक्ति मिले। सारे संसार को मुक्ति मिलने के लिए क्रिस्त में विश्वास करना जरूरी है। अंधविश्वास, अविश्वास, मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र, जादू टोना या किसी भी प्रकृति का, पेड़ों का, पशुओं का, जो जीव जंतुओं का पूजा करने पर आपको मुक्ति नहीं मिलने वाला है। किसी मनुष्य की पूजा करने से आपको मुक्ति नहीं मिलने वाला है। ऐसे ऐसे अनेकों भगवान लोग इस संसार में आया, कई रूप धारण करके आया, बोलता है किसी ने आपको मुक्ति नहीं दिया है। यदि संसार को मुक्ति दिया वो एक व्यक्ति के द्वारा है, वो है ईसा मसीह। क्रिस्त के द्वारा संसार को मुक्ति मिला है। कैसे? उन्होंने हमारे पापों का प्रायश्चित किया। इससे पहले जितने भी भगवान लोग आए, जो भी आए, पापियों को खत्म करने का प्रयत्न किया, लेकिन ईसा मसीह पापियों को प्यार किया, उनके पापों को अपने ऊपर लेकर के वे प्रायश्चित करना था, लेकिन मसीह प्रायश्चित कर हमें पाप से मुक्ति दिया। इसलिए जो कोई ईसा मसीह को अपने मुक्ति दादा के रूप में स्वीकार करेगा, उन्हें मुक्ति मिलेगा, स्वर्ग राज्य मिलेगा। यदि इसके विरुद्ध में जितने भी शक्ति सामने आ जाए या जो भी ऐसा गलत हरकतें कर रहा है, उनको कोई सफलता नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो कोई मसीह में विश्वास करेगा, उन्हें जरूर मुक्ति मिलेगा। हमें मालूम है इस प्रकार करने का कुछ फायदा तो है। जैसे मैंने बोला है, हमारे कैथोलिक भाई भी मुझे ये वीडियो डाल करके दिया। क्यों डाल करके दिया? वो विश्वास किया है। हमें मालूम है कुछ वर्ष पहले हमारे पॉलिटिक्स में इस प्रकार का एक कार्य चला। पॉलिटिकल पार्टी ने एक तो झूठ का सहारा लेना शुरू किया।
लोगों को झूठ बोल बोल करके ऐसा झूठ को सच्चे कर करके समझने लगी। लोग किसी के बात पर विश्वास करते हुए, चाहे वो 15 लाख रुपया का क्यों ना हो, पेट्रोल 30 रुपया में देने के विषय में क्यों ना हो, जब वो 65 रुपया था उसको अगर 30 रुपया में देगा बोला, लोग विश्वास किया, बोला इतना पैसा विदेशों में ब्लैक मनी पड़ा है, यदि मुझे यहां बना कर रखो मैं ब्लैक मनी पूरा ला करके एक एक अकाउंट में 15-15 लाख दूंगा। कौन नहीं चाहेगा भाई, 15 लाख रुपया कई लोगों का जिंदगी बन जाएगा। विश्वास किया, झूठ की सहारा इस प्रकार कुर्सी अड़पने वाला झूठ को सहारा लिया। वही झूठ आज क्रिस्तीय धर्म को नष्ट करने का कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन वो सफल नहीं होगा। 140 करोड़ लोगों को शायद आप बुद्धू बना दिया झूठ बोल बोल कर करके, लेकिन संसार में 140 करोड़ नहीं है, क्रिस्तीय धर्म में उतना है, वो इतना बुद्धू नहीं है। ऐसी चीजें देख करके प्रभु ईसा मसीह को छोड़ दें। या ईसा मसीह का 12 शिष्य थे, 12 शिष्य में एक शिष्य ही तो ईसा मसीह को पकड़ाया, वो एक व्यक्ति शैतान बन गया। इसी प्रकार हमारे पास 5 लाख से ज्यादा पुरोहित लोग हैं, उनमें से एक हो या 5 हो या 10 हो, इस प्रकार गलत हो जाए, इसका मतलब है क्रिस्तीय धर्म या क्रिस्त गलत नहीं है। और मान लो कर दिया है तब भी हमें इसमें निराश नहीं है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं दिखाया है 12 लोगों में एक शैतान था। यदि 5 लाख के अंदर से एक आधा इस प्रकार निकल भी गई, पुरोहिताई को छोड़ा या पुरोहिता के खिलाफ बोल रहे, आज के लिए एक पुरोहित क्रिस्तीय नहीं है वो, एक्चुअली वो पुरोहित का वेश पैसा दे करके खरीदा गया, लाइसेंस लिया गया, उसका भी खुलासा हो रहा है। प्रोटेस्टेंट पुरोहितों में इस प्रकार पैसा दे करके पुरोहिताई खरीदने का कंप्लेंस अभी आने शुरू हो गया। ऐसे एक पुरोहित क्रिस्तीय धर्म के खिलाफ जाकर के और जो रूल एंड रेगुलेशन उसका सब तोड़ करके और क्रिस्तीय धर्म के क्रिस्तीय विश्वास के खिलाफ सिखा करके पुरोहित का ट्रस्ट पहन करके वो अन्य देवी देवताओं का पूजा करने के लिए निकला। 1-2 वर्ष पहले भी इस प्रकार का एक इंसिडेंट हुआ था, केरल के ही एक मंदिर में एक पुरोहित जाकर के माथा टेकता हुआ वीडियो आया, उसका भी तहकीकात जब किया, वो व्यक्ति पुरोहित ही नहीं है, उसका एक शौक है, एक मानसिक बीमार व्यक्ति है, वो एक पुरोहित का ड्रेस पहन करके घूमता है, वो मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, चर्च भी जाता है, ऐसा घूमने लगा, मानसिक रोगी है। लेकिन कुछ लोग उस वीडियो को ऐसा वायरल कर करके, देखो पुरोहित क्रिस्तीय पुरोहित फलाना देवी के सामने दंडवत कर रहा है बोल करके उन्होंने मनाया। तो इस प्रकार शैतान अनेकों कार्य करेगा। एक बाबा जी है, इस प्रकार उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू कर करके जो बिजनेस शुरू कर, मान लो आटा चक्की उसने शुरू किया, उसका आटा बेचने के लिए उसने एक ही तरीके अपनाया है। अभी तक जितने भी वर्षों से वो जिस आटा खा करके आया उसको उसने विष बोला, उसके अंदर विष मिलाया हुआ है, लेकिन मेरा जो चक्की का जो आटा है वो है बिल्कुल प्योर। चाहे मधु का व्यापार शुरू हुआ, तब तक जिस मधु को इस्तेमाल करता था वो मधु विष है, मेरा मधु ओरिजिनल है। दुनिया का सारे मधु व्यापारी गलत है, ये सही है। साबुन ले लो, टूथपेस्ट ले लो, जो भी एडवर्टाइजमेंट है आपको यही मिलेगा एडवर्टाइजमेंट, बाकी सब नकली है, असली मेरा है। देखो ये एक शैतान का चाल है अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये जो बाबा जी का ये जो तरीका आज अनेकों लोग कैथोलिक कलीसिया को गिराने के लिए या क्रिस्तीय धर्म को नीचे दिखाने के लिए इस्तेमाल करने वाला झूठी जो
तरीका है। हमें इस प्रकार के लोगों से बचने की जरूरत है। तो जो आपने जो वीडियो डाला है वो वीडियो ओरिजिनल नहीं है। यदि जिसने इसको डाला है उसमें इतना हिम्मत है तो बताए ये फलाना बिशप था या फलाना जगह पर हुआ। हमारा चैलेंज भी है उन लोगों से, कौन था ये और कहां का बिशप है या कहां का पास्टर है या कहां ये डांस हुआ, कहां था ये थोड़ा बता दें। ये हम लोगों का चैलेंज है। दूसरी बात, इवन मदर तेरेसा जो अच्छे कार्य किया है उस कार्य को भी गलत है करके स्थापित करते हैं लोग। मदर तेरेसा का कई कॉन्वेंट बंद करवा रहा है, जो गरीबों को सड़कों से उठा करके जो सेवा कर रहा है, उनका भोजन, उनके लिए कपड़ा, उनके लिए रहने का जगह देने वाला उस संस्था का खिलाफ यदि कर रहा है, हमारे सामने ये सब हो रहे ना, जो कोड़ी अपने घर से निकाला हुआ फेंका हुआ लोगों को इन सिस्टर लोग जाकर के बाहों में लेता है, उनके गांवों में पट्टी बांध करके उन्हें आश्वासन देता है, ऐसे जो लोगों का निंदा करने वाले यही जो झूठ के जो पॉलिटिक्स चलाने वाले ये लोग। इसके बाद कूड़ादानी में फेंका हुआ बच्चों को उठा करके अनाथ आश्रम चला रहा है, उनके पीछे पड़ा हुआ है। और मैं जबलपुर में हम लोग, मेरा जो करीब 40 वर्ष मैं केरल से बाहर था, जबलपुर में अनेकों वर्ष रहा, वहां मैं एक सत्य बात को बताता हूं। वहां हमारा मदर तेरेसा का भी संस्था है, वहां हमारे क्रिश्चिय जो अनेकों ऐसा संस्था है बुजुर्गों को रखना है या अन्य सेवा कार्य करने वाला। मैं उतना वर्ष वहां रहा, एक भी हमारे संस्था से एक भी बच्चा या अनाथ बच्चा या ये जो बुजुर्ग व्यक्ति भीख मांगने के लिए हमारे घर में कभी नहीं आया। हम एक क्रिस्तीय होकर के हमारे घर में आज तक किसी हमारे संस्था के जो में रहने वाले कोई बच्चे या बड़े पैसा मांगने के लिए नहीं आया। लेकिन हमारे घरों में हर सप्ताह आते हैं, हर सप्ताह आते हैं जो अन्य धर्म के जो इस प्रकार का जो जगह है, चाहे सरकारी जो सहायता से जो चला रहा है या अन्य जो धर्म के जो संस्थाओं में जो अनाथ बच्चे हैं, हर सप्ताह हमारे घर में कोई ना कोई ऐसे अनाथ बच्चे आते, मैं फलाना संस्था से आया। देखो, इस प्रकार के बच्चों को रख करके भीख मांग करके पैसा कमाने वाले, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो सिस्टर लोग वो स्वयं जाते, सिस्टर लोग घर घर जाते सहायता मांगने के लिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ सहायता दे दो। लेकिन वहां का जो मेंबर है, वहां का जो एक भी बच्चे या अनाथ जो लोग हैं, कभी भी उनके वहां से संस्था से किसी से पैसा मांगने के लिए नहीं भेजा जाता है। इस प्रकार ईमानदारी के साथ उनकी सेवा करने वाले उस संस्था के खिलाफ यदि ये लोग बोल सकता है तो हम लोग सोच सकते हैं लोग कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमें हताश निराश नहीं होना है ऐसे ऐसे वीडियो दे करके, या एक फादर ऐसा गया या एक सिस्टर ऐसा गया बोल करके इन लोग जो प्रचार कर रहा है, सत्य भी हो सकता है, होने दो भैया, लेकिन वो कुछ हमारे क्रिश्चियन धर्म में कोई अफेक्ट नहीं करने वाला है। हम अपने पुरोहितों का आदर करेंगे, सिस्टरों का आदर करेंगे, प्रभु का सेवा करने के लिए जिसे भी प्रभु ने चुना है उनका आदर सम्मान करेंगे। इन लोगों का इस प्रकार का चित्र देख करके हमारे मन में उनके प्रति बिल्कुल नाराजगी नहीं होना चाहिए, जो हमारे समाज की सेवा करने के लिए दिन रात अपने घर सब कुछ छोड़ करके जो समर्पित पुरोहित धर्मभन लोग, वो आदरणीय लोग हैं, हम उनका आदर सम्मान करेंगे। ये लोग जितना भी इस प्रकार का नफरत भरी फोटो या वीडियोस को वायरल कराने दो, लेकिन हम क्रिश्चियों के मन में ये ऐसे जो समर्पित लोगों के प्रति आदर बढ़ते जाना। ये वीडियोस सब उन लोग देखेगा तो उनको कितना दुख लगता होगा, ये हमें सोचने की जरूरत है।
तुरंत और ज्यादा प्रार्थना हमारे इन पुरोहितों सिस्टरों के लिए करना शुरू कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, निर्णय कीजिए रोज हमारे पुरोहितों, धर्म भवनों, बिशपों, हमारे चर्च के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे ऐसे चुने हुए पुरोहित लोग, सिस्टर लोग सत्य का, ईमानदारी का, प्रेम का जीवन जी सके, कलीसिया का सेवा करते हुए ईमानदारी का जीवन जी सके, पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य उनमें आवे, उन्हें संचालित करता रहे। प्रार्थना कीजिए हमारे कलीसिया के लिए, हमारे संत पापा के लिए, सभी कार्डिनल्स, सभी बिशप्स, सभी पुरोहित, सभी धर्म भवनों के लिए प्रार्थना कीजिए, उन्हें शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले। और इस प्रकार का जो मॉर्फिंग कर करके कलीसिया के खिलाफ जो कार्य करने वाले, जो झूठी झूठ को सहारा लेने वाले जो ग्रुप है, उन्हें भी सद्बुद्धि मिले, वे भी इस मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर अपने आत्मा को बचा सकें। इस प्रकार के झूठ के द्वारा ना हिंदुओं को, ना मुसलमानों को, ना पेंटेकोस्टल कलीसिया को कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि जिसके खिलाफ वो कर रहा है उनको इसके द्वारा फायदा जरूर मिलेगा। प्रभु इन बुराइयों को भलाई में परिणमित करता है। रोमियों का पत्र अध्याय 8:28, प्रभु इन बुराइयों को भलाई में परिणमित करेगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50:20, तुमने मेरे साथ बुरा करना चाहा, लेकिन प्रभु ने उस बुराई को भलाई में परिणमित किया। मेरा ईश्वर वही ईश्वर है। इस प्रकार का शैतान, जो झूठी, जो ग्रुप जो भी कर रहा है, वो हमारे भलाई के लिए परिणमित करेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।